The Afghan people need peace. एंड वेलकम टू सियात मना है हमारे आज का शो भी होगा अफगानिस्तान अमेरिका और पाकिस्तान के तल्क के हवाले से एफ पैक स्ट्रैटजी अमेरिका ने बनाई जिसके बाद अपने सारे ट्रूस वापस बुलाने का आज़म जाहिर किया ओबामा साहब ने इस हफ़्ते के अंदर एक स्पीच दी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम जुलाई से ये मामला शुरू कर देंगे दस हज़ार हमारे फौजी जो हैं वो इस समर में वापस आ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता दो हज़ार चौदह में अमेरिकन प्रेजेंस नेटो प्रेजेंस अफगानिस्तान में ख़त्म हो जाएगी साथ ही साथ हम इदारज़ाई साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा जी अब अफगान के नौजवान अफगानी नौजवानों का वक्त आ गया है कि वो अपने मुल्क की दिफा करें लेकिन ये जो और अफगानी नौजवान हैं जो अपने आप को तालिब कहते हैं और अपने मुल्क के ऊपर एक फसाद बर्पा करें खड़े हैं जिनकी वजह से जिनको पहले तो बनाया हमने लेकिन अब उनकी वजह से हमारे पाकिस्तान में भी हमारे नॉर्दन एरियाज़ में कराची में लाहौर में पूरे ही पाकिस्तान में एक अलग एक पैरल मिलिटेंट व्यू चल रही है एक मिलिटेंट इंसर्जेंसी चल रही है उसके ऊपर क्या असरात होंगे इस आ, इस आइडिया की कि अमेरिकन जा रहे हैं और बिलखसूस इस वजह से इसलिए अमेरिकन जाते जाते तीन खरब डॉलर खर्च करने के बाद सारी अपनी बंदूकें तोपें जहाज हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं इनसे दोस्ती कर लेते हैं अब दोस्ती करने के लिए वो सब लोगों को बुला रहे हैं काजाई साहब सारे तालिबान को अपना भाई कह रहे हैं फस हम लोग गए हैं क्योंकि हम उनको अपना भाई कहते नहीं हैं और अगर अब भाई कहना शुरू किया तो वो सवात वाला मामला हमारे सामने है कि एक दफ़ा पहले हो चुका है हमारे साथ इनको जब आपने थोड़ा इख्तियार देने की कोशिश की तो इन्होंने अपनी बरबरीत बढ़ा दी ना कि कम करी तो पाकिस्तान क्या करे पाकिस्तान पर अमेरिकन विड्रॉल का क्या असर होगा और गुड तालिबान बैड तालिबान और ये जो स्ट्रेटजी है ये पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं इस पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे हमारे मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब थैंक यू वेरी मच दिया। सर पहला सवाल मेरा ये कि आपने सन 2006 में जब आप इकतदार में थे फाटा के अंदर सेक्रेटरी थे आपने कहा था कि जी ये ये ट्रूस नगोसिएशन ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई ज़्यादा अकलमंदी का काम नहीं है इसकी वजह से तालिबान और तकवीत पाएगी क्योंकि हमारे यहाँ के लोग यहाँ के लोग जो हैं वो चाहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि ताकत दिखाए एक असर्टिव आ, सोच दिखाए सर आ, हो गया माहा आपकी बात दुरुस्त साबित हुई उन्होंने लोगों को बजाय इसके कि पहाड़ों पे ले जाके आ, उनके ऊपर तशद करें रोडों पे तशद करना शुरू हो गए आज हम इस नेच पे खड़े हैं कि इनको सियासत के अंदर दाखला दे रहे हैं कम अज़ कम अफगानिस्तान में और सोचा ये जा रहा है कि जी अब पाकिस्तान का भी काम यह है कि गुड और बैड के अंदर तफरीक करें सर आपके ख्याल में ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा आइडिया है मेरे ख़्याल में एक तो बात है अफगान तालिबान की अफ़गान तालिबान अफगानिस्तान में कोई ऐसे हालात हो गए थे और वो भी अमरीका की वजह से हो गए थे कि उन्होंने जो पहले वहाँ जहाद किया फिर वहाँ पर स्टेबलाइजेशन के बग़ैर और डी के बग़ैर इस एरिया से चले गए वह, वहाँ वहाँ पर इनारकी शुरू हुई और इस अनारकी से तालिबान पैदा हुए जब वो अफगानिस्तान के पचासी फीसद एरिया में उनका कब्ज़ा हो गया तो पाकिस्तान ने उनको तस्लीम किया और रिकॉग्नाइज किया एक मुल्क है क्योंकि उनके अपने हालात है मैं समझता हूँ कि जहाँ पर अफगानिस्तान में अभी अमेरिका ने 10 साल कोशिश की और इन तालिबान को वो तो नहीं तोड़ सके तो उनके सामने कोई और रास्ता नहीं है बग़ैर कि इनको मेन स्ट्रीम करे और उनके साथ बातचीत करे जिसकी पाकिस्तान हिमायत करता है क्योंकि अफगानिस्तान एक अलहदा ममलकत है एक आज़ाद ममलकत है और उनके अपने ख़ास हालात हैं जिसके तहत पाकिस्तान कहता है कि अगर आप आ, इनको फतह नहीं कर सके तो फिर उसके साथ बातचीत करो और इनको गवर्नमेंट का हिस्सा बनाओ और उनको मेनस्ट्राई मेन में ले आओ ये अफगानिस्तान में जो पॉलिसी है वो ये है जहाँ तक पाकिस्तान में है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक रेगुलर स्टेट है और यहाँ पर अपनी हमारी फ़ौज है मजबूत अफगानिस्तान में तो अभी बन रही है लेकिन हमारी फ़ौज मौजूद है हमारी एयरफोर्स मौजूद है हमारा स्टेट के जो पूरे मशीनरी है वो मौजूद है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो मैं समझता हूँ कि इस यहाँ पर अफगानिस्तान के तालिब, ये तालिबान के वो हुकूक नहीं हैं जो कि अफ़गानिस्तान में हैं और ये जो लोग हैं ये बहुत कलील तादाद में हैं और ये जो है अगर पाकिस्तान के आइन के तहत बातचीत करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो ऑफ़र इनके सामने मौजूद है कि वो आइन पाकिस्तान के सामने सामने अपने हथियार डालकर बातचीत के ज़रिए कोई उनके ख़ास मसले हैं तो उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है और पाकिस्तान ने बातचीत की भी है लेकिन वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये बातचीत जो है वो सिर्फ अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनकी कोई ख़ास ग्रीवेंस नहीं है पाकिस्तान में वो हालात नहीं है जो अफगानिस्तान में थे तो इसलिए इनके साथ कोई नरमी जो है मैं नहीं समझता कि करनी चाहिए क्योंकि उसी तरीके से जैसे 2006 से मैं कहता आ रहा हूँ कि कलील तादाद में हैं और अभी इनके ख़िलाफ़ आप एक्शन लेंगे बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं समझता हूँ कि आप इस्लामाबाद की किस्सा देखिए लाल मस्जिद का जिसे एक वक्त सिर्फ ये एक एस एच ओ का काम का था कि वो अगर अपना काम करता तो ये मसला इतना ना बढ़ता और बाद में पूरा आपको एक डिवीज़न इस्तेमाल करना पड़ा तो वही मिसाल है इसकी कि पाकिस्तान में ये लोग जो है ये ना इनका कोई डिमांड है ना इनको कोई हक है कि वो पूरे पाकिस्तान के 170 मिलियन या 17 करोड़ आवाम के ऊपर अपनी वजा करदा कोई निज़ाम जो है वो जो है ज़ोर से बंदूक के के ज़ोर से जो है उनके ऊपर मसलरत करे और न पाकिस्तान की सोसाइटी इसको कबूल करने वाली है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी वही होनी चाहिए कि यहाँ पर गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं है तमाम शहरी पाकिस्तान के और पाकिस्तान के कानून और आइन का एहतराम के अंदर रहते हुए कोई उनके मसले मसाइल है तो वो बात कर सकते हैं लेकिन बंदूक के ऊपर उनको किसी जगह कब्जे नहीं करने देना चाहिए था चाहिए था और अगर है तो कब्ज़ा हटाना चाहिए और उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक आपने बात की है कि अमरीका के जाने के बाद इस खत्े पर क्या होगा तो अफ़गानिस्तान के अंदर ज़रूर जो है चूँकि वो इस मामले को हल नहीं कर सके उनके पास दो रास्ते हैं एक तो ये है कि बातचीत के ज़रिए वो अफ़ग़ानिस्तान को इस तालिबान को इसमें कामयाबी हो कि उनको हुकूमत का हिस्सा बनाए और दूसरा ये सिचुएशन है कि शायद वो इस बातचीत में कामयाब ना हो तो अगर वो नहीं होते कामयाब तो वही सिविल वार वहाँ पर होगी और मैं समझता हूँ कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है टेर्रज़म ये वापस वहाँ शिफ्ट कर जाएगी और वहाँ शिफ्ट करती है तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव कम हो जाएगा लेकिन अफगानिस्तान में हालात जो है वो ख़राब हो जाएंगे ब्रिगेडियर शाह ये आ, आपने आ, ये जो कहा कि अगर ये आइन के दायरे में रहें अगर ये लोग अपनी बंदूकें छोड़ दें सर सलीम शजाद की किताब है उनसे ज़्यादा करीब अलकायदा के मैंने कोई सहाफ़ी या कोई लिखने वाला मैंने तो नहीं पढ़ा उन्होंने जो बातें लिखते हैं बिल्कुल लेकिन इनसाइडर की लिखते हैं और मैंने भी सिर्फ एक्सर्ट्स पढ़े हैं पा, पाकिस्तान में अभी तक मुझे तो वो किताब मिली नहीं हालांकि वो इसकी अनाउंसमेंट हो गई है सर उन्होंने कहा कि अलकायदा की एक वक्त आया लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद कि जब सारी जितने भी ग्रोह हैं ये सब अलकायदा से पूछने के बाद ही अपना जो भी काम करते थे वो करते हैं और दूसरी तरफ ये ख्याल है कि जी साठ सत्तर ही रह गए हैं अलकायदा के हार्डकोर मिलिटेंट्स लेकिन हम हम अगर सलीम शजाद वाली लाइन टो करें थोड़ी देर के लिए कि अलकायदा जो है वो ऑर्गेनाइज़र है अलकायदा के जो लोग हैं उनके पैसे हैं उनकी फंडिंग है उनको जहाँ से भी सदका सभील के नाम पर उनको पैसे जो भेजे जाते हैं अगर ये सारे पैसे आ, वो एडमिनिस्टर करते हैं सारी अथॉरिटी उनके पास है तो सर उनका तो अज़म सिंपल है कि जी हम चलाएंगे दुनिया को हम चलाएंगे इस्लामिक रियासत को हम आ, अपनी शरीयत नाफिस करेंगे इन लोगों को फिर आप आ, आप समझते हैं कि इनको बंदूक़ें डालने के बाद माफ़ करके हम अपने सियासी स्ट्रक्चर में लाने की इजाज़त दे दें दरअसल अगर आप देखिए अला जब बना था और उसका जो पर्पस था तो वो यही था परसेप्टिवली जो हमें नज़र आ रहा था उस वक्त ही कि उनका मकसद है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के ऊपर कब्जा करें हुकूमतों के ऊपर और जो उनका प्रोपेगेंडा था उसका ये था कि शायद उनके प्रोपीगेंडे से और उनके कुछ ऑपरेशन से कुछ इस्लामी ममालिकस जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है शायद उनकी हुकूमतें गिर जाएंगी लेकिन हालात अब यह है इस दस सालों में कि अलकायदा इतना टूट पूट का शिकार हो चुका है उनके इतने लोग जो है वो जो है वो मारे गए हैं कैबी उसाओ लादिन भी मारे गए तो जो बाकी लोग रहते हैं एम उन जवाहरी ये तो मिडल ईस्टर्न ग्रुप्स के वो रिजेक्टेड एलिमेंट्स हैं कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके अपने बाकायदा क्राइम्स उनके पीछे और अपने मालिक उनको उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं अगर उनके पास पैसा था तो वो उसाम बदन का कुछ पैसा था या जो उसका इन्फ्लुंस था यानी उसके बारे में लोगों का ख्याल था कि देखें ये सऊदी अरब में एक प्रिंस की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे और गुजार सकते थे उन्हें वो छोड़ के यहाँ पर आ गए अभी वो काफ़ी सारे सऊदी अरब में जो अमीर लोग थे शायद उनकी मदद भी करते थे तो ये अभी जब उस लादन जो है वो हट गए सामने से तो जो बाकी लोग रह गए अमोन जवाहरी और उनके दूसरे साथी तो ये तो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं ये किस तरीके से सोच सकते हैं कि पाकिस्तान पे कब्ज़ा करेंगे और ये शायद कुछ दिनों तक जो है ये चले लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ आप देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिसइंटेग्रेट होगी और जो हालत मिडल ईस्ट में है कि जहाँ इनमें ना इतफाक की, की वजह से नई फ़लस्तिन में कुछ कर सके हैं नए इसराइल के खिलाफ कुछ कर सके हैं यहाँ पर भी न ही अमरीक के खिलाफ कुछ कर सके हैं लेकिन पाकिस्तानी या इस्लामी जो सोसाइटीज़ है उनको ये नुकसान ज़रूर पहुँचाते हैं अब ये चीज़ जो है हमारे लोगों को बड़ी हद तक के अस्सी फीसद तकरीबन लोगों के ऊपर ये वाजह है कि ये जो दहशत गर्दी है ये जो लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम कोई इस्लामी निज़ाम लाएंगे ये कोई इस्लामी निज़ाम नहीं लाएंगे ये समझते है वही है जो जो करते हैं यानी जिस इलाकों पे उनका कब्ज़ा रहा है जैसे शुमाली वहाँ पर लोगों को इजा करते हैं वहाँ पर जो मर्ज़ी है उनको सजा देते हैं पैसे के लिए लोगों को किडनीप करते हैं और पचास साठ करोड़ रुपये उसके डिमांड करते हैं तो ये तो समझते हैं कोई इस्लाम नहीं अभी आपने देखा कि एक तालिबान लीडर इनमें खड़ा हो गया आ, ये फजल सईद जो है हकानी जिसने ख़ुद कहा है कि मुसलमानों को मारना मस्जिदों पे हमले करना वग़ैरह ये कहाँ का इस्लाम है तो इस तरीके से आप देखें कि इनके अंदर जो है तफरीक आएगी और इनकी जो तंजीम है ये कमज़ोर होगी और अलकायदा बेशक वो मौजूद रहे लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वक्त के साथ जो है ये थ्रेट ख़त्म होगा और वो अपने पर्पज़ में नाकाम हो चुके हैं और ना उनके कामयाबी के कोई इम्कान था सिर्फ ये था कि मुसलमानों को बहुत सारों को शहीद शेद शहीद करके और मुसलमानों की इस्लाम को और इस्लामी ममालिक को नुकसान पहुँचा के फाइनली ये जो है खत्म हो जाएंगे। सही ब्रिगेडियर शाह एक ब्रेक लेंगे सर बाद में आपसे पूछना चाहूंगा एक तरफ तो ये बात है कि जी अलकायदा जो है वो टूट गए दफन हो गए मैं ओबामा साहब ये लाइन टो कर रहे हैं कि किसी सूरत में ये फिर से कह सकूं जो बुश साहब ने 2003 में कह दिया था मिशन अकम्पलिश्ड कि हम जीत गए और वो जितना बड़ा मजाक था वो आज आपके सामने है ओबामा भी कुछ यही कोशिश कर रहे हैं कि जी ये कह दो कि जो अलकायदा था ना उसको हमने मार दिया ये बिन लादन को लिहाजा अब मिशन अकॉम्पलिश्ड अब खुदा के वास्ते वापस आ जाओ हमारी मीशत इतनी तगड़ी नहीं रही कि हम इतनी बड़ी जंग को दो दो अरब डॉलर हफ़्ता अफगानिस्तान पर ख़र्च होते हैं चार अरब डॉलर हफ़्ता इराक़ पर खर्च होते हैं ये कुछ छोटे मोटे ख़र्चे नहीं है अमेरिका भी जैसे मुल्क के लिए ये कोई छोटा ख़र्चा नहीं है ये काफ़ी बड़ा बर्डन ऑन द इकानी होता है मीशत के काफ़ी सारे हिस्से जो हैं वो जंग की वजह से चलते भी हैं लेकिन अक्सर जो मीशत है वो फिर दस साल की जंग के बाद डूबना शुरू भी जंग की वजह से ही होती है लेकिन ब्रिगेडियर शाह से एक वक्त के बाद हम ये पूछने की कोशिश करेंगे एक तो कि एक तरफ तो ये कि अलकायदा बिल्कुल टूट गई दूसरी तरफ ये कि अकायदा में जो मिस्र की ये ईमन अल्जवारी टाइप लोग थे जो कि हसनी मुबारक के खिलाफ और मिस्र में डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े हुए थे वो मिस्र में तो हार गए मिस्र में अवाम जो है वो उनके बैनर के नीचे नहीं उठी अपने बैनर के नीचे उठी और उन्होंने उसनी मुबारक को फ़ारग कर दिया और आज भी खड़ी हो रही है कि जी ये आर्मी जो है ये हटे और हम अपनी जमूरियत लाएंगे लेकिन अलकायदा जहाँ पे बिल्कुल एज़ कैंप्स आए थे वहाँ पे वो स्ट्रॉग हो गए पाकिस्तान में ये भी एक राय है और फिर ये सोचा जाता है कि हमारी आर्मी में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं पी जो हमारा पाक बहरिया पे हमला हुआ है वो हो ही नहीं सकता था अगर उसके अंदर जो लोग थे वो हिमायती ना हो इसके ऊपर गुफ्तु करेंगे एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं सियासत मनाए अब हमें लिख के अपनी आर से आगा कर सकते हैं एस एम एच एट्स एन बी सी पाकिस्तान डॉट काम पर और हमने फेसबुक पर पे एक पेज पे चलाने की कोशिश की है सियासत मना है फेसबुक पर आप सर्च करें अगर तो यू विल फाइंड इट उसके ऊपर हमारे सारे पुराने वीडियोज़ भी हैं आप वहाँ पर उसके ऊपर तस्करा भी कर सकते हैं अपनी आरा वहाँ पर भी पेश कर सकते हैं बैक विद यू आफ्टर ब्रेक